आगरा के थाना रकाबगंज में बालूगंज स्पेयर पार्ट मार्केट में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे से अधिक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। स्थानीय पुलिस द्वारा लोगों के साथ मिलकर दुकानों का सामान हटवाया गया। जानकारी के अनुसार बालूगंज ऑटो स्पेयर पार्ट मार्केट में डालचंद जैन की दुकान है। दुकान की तीसरी मंजिल पर उन्होंने टीन सेट डालकर गोदाम बना रखा था। सुबह 7:30 बजे लगभग अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई। लोगों को दुकानों तक आग पहुंचने का डर सताने लगा। लोग घरों के बाहर निकल गए। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बगल के घर से जाकर पानी डाला गया और सीढ़ी लगाकर सामने से फायर कर्मी छत पर पहुंचे। 4 गाड़ियों पर तैनात 1 दर्जन से अधिक फायर कर्मियों ने 2 घंटे बाद मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम मालिक डालचंद के अनुसार काफी नुकसान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।